तो मैंने बनाया लेफ्ट वाला हाथ, मतलब मेरी तरफ। तो ये हमारे चांद आ चुके हैं, मतलब कि चांद निकल चुका है। मेरे भी बन गए, मेरे तो आपने देख ही लिए। और ये बस 10 मिनट का, हम मेरे एक माल दुकान की सौ। सो ये हमारा है फुल लुक, आप देख सकते हैं। ये हमारे देवी वसनी कटिंग तो तो दिवाली की प्रिपरेशन, मेहंदी वेंदी लग रही है और शाम के 7-7:15 बज रहे होंगे शायद। एक मेहंदी वाली मेहंदी लगा के गई है, ये हाथ पर भी बना रही है। अभी मैं बना रही हूँ, ज्यादा लेट हो गई थी तो फिर वो चली गई। हाँ, आपको हम बैक कैमरा से दिखाएंगे कि मेहंदी कैसे बन रही है, कैसे लगा रहे हैं और एंड रिजल्ट क्या रहता है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और हमारा मौसम देख सकते हैं, हमारा चांद भी आपको दिख रहा होगा, वो देखिए चांद। तो चांद के दर्शन तो हो गए सुबह सुबह, बिल्कुल अंधेरा है बिल्कुल, क्योंकि 6:15 बज चुके हैं आज के। ये देखिए कोई नहीं उठा है, सब सो रहे हैं, बेखाली मैं जरूर उठ गई हूँ सुबह सुबह। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होप सब सब अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ, 20 तारीख की हमारे यहाँ बिस्किट कर रहे करवा चौथ। आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। और आज क्या हुआ, सुबह जब मैं उठी थी ना तो मैंने एक गलती कर दी। ठीक है, ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि मतलब मैं बाहर गई थी ना, मतलब अंधेरे अंधेरे की वीडियोस लेने के लिए, 6 बजे उठ गई थी आज, जल्दी उठी थी थोड़ी सी। मैंने कहा कि टाइम पे काम फ्री हो जाएंगे, फिर मेहंदी वगैरह भी लगानी थी, मम्मी जी की भी लगानी थी, भाभी के भी खाद बनाना था, तो वो सारी चीज़ें थी। तो मैंने लगा फटाफट से काम फ्री हो जाएंगे तो फटाफट से हम मेहंदी भी लगा देंगे। मैंने तो रात को हाथ बना दिए थे, ये देखिए आप, ये बैक कैमरे से और अच्छे से दिखा दूंगी मैं आपको, फ्रंट का तो ये है। तो मेरे फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो उसको रखा है, भाभी के फ़ोन में शूट कर रही हूँ ब्लॉग भी, और फ़ोन ख़राब भी हो गया, 3 साल हो गए फ़ोन को भी, तो अब बस वो ऐसे ही हो गया है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तब तो आवाज़ रील्स तो अच्छी बन जाती है, और वीडियो जैसे रिकॉर्ड करने लगूँ तो आवाज़ ऐसे बोल रही हूँ जो तो क्लियर होगा, बट जब वापस सुनूंगी तब बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, तो मैं वो बात कर रही थी गलती की, आज सभी को मैं बाहर गई ना तो बाहर मेरे को लगा कि करवा चौथ का चांद, मतलब कि बाहर ऐसे नॉर्मली मैं झाड़ू निकालने गई थी तो बाहर चांद भी था, तो मैंने आज चांद देखा। जैसे देखा चांद, अंधेरे की वीडियो लेके मेरे पास वीडियो भी है, उसमें वॉइस ओवर करनी पड़ेगी मुझे, मैं आपको दिखाऊँ कि वो वीडियोज़ भी वॉइस ओवर भी करनी पड़ेगी मुझे उसमें, क्योंकि आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही तो वॉइस ओवर ही करनी पड़ेगी। तो चांद देख के अंदर आई रूम में दौड़ी दौड़ी, मैंने लखन जी को कहा, लखन जी बाहर चांद आए इतना बढ़िया, चलो चांद देख के आते हैं अपन दोनों, बाहर वीडियोस बना के आते हैं। मेरे को कह कि सो जा, चौथ का चांद देख के चोरी माते पड़ेगी तेरे, चौथ का चांद देख के आ गई, चौथ का चांद नहीं देखते कभी भी। मैंने कहा क्यों, जो कि चोरी माते पड़ती है ऐसे नहीं देखते आज का चांद। मैंने कहा मैं तो देख के आ गई, आज करवा चौथ का चांद है तो रात को चांद देखेंगे। वैसे यार ये तो मतलब आज चौथ है मैंने माना, लेकिन रात को भी तो अपन चांद देखेंगे ना, फिर व्रत खोलेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो सुबह देख लिया मैंने, अब चोरी माते पड़े या नहीं पड़े वो मुझे नहीं पता, बट मैं तो देख के आ गई। तो क्योंकि हाँ बट आज नहीं देखते, फिर मैंने चांद देखा, मैंने कहा आपका मुझ देखूंगी मैं चोरी माते पड़े, उसे बीच का चांद भी देखते, फिर चांद देखने के बाद अपने से मुँह भी देखते दूसरों का। मैंने कहा आपको देख लेती हूँ, क्या पता सच में चोरी के माते पड़ जाए। तो ऐसे बात है, मेरे को इतनी हंसी, फिर मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ना चांद देख लिया, चांद देख लिया, फिर ये बोल रहे थे कि इतनी टेंशन मत ले, हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं गलती। फिर मैंने कहा यार करवा चौथ का चांद शाम को भी तो चांद देखेंगे, सब चांद देखेंगे आज, तो इसका मतलब मेरे चोरी माते नहीं पड़ेगी, शाम को तो सब देखेंगे चांद। तो इतनी हंसी है, जब मैंने मम्मी जी को बोला ना तो बहुत हंसे थे कि यार क्या है। और वही बात क्या बोले इसकी, आज मैंने वीडियोज़ बनाई नहीं लखन जी के साथ, क्योंकि उस बहुत जल्दी में थे तो चलेगा कि मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के कई प्रोग्राम में, मतलब स्कूल में आज सब स्टूडेंट्स को बुला रहे तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा वहाँ ठीक है आप जाओ, तो वहाँ के वीडियो नहीं लेने के तुम्हारे, मैंने कहा नहीं आज नहीं लेनी, क्योंकि आज मेरा फ़ोन बेले से ख़राब हो रहा है, वीडियोज़ बोलूँगी तो भी अच्छी नहीं आएगी, फिर सब जगह वॉइस ओवर करनी पड़ेगी तो क्या मतलब रहेगा, इससे बढ़िया तो आप नहीं ले तो बढ़ेगी। तो चले गए और मैं अभी जस्ट ना ली हूँ बाहर, मम्मी जी के मेहंदी लगा रहे भाभी, और मैं भाभी के बनूँगी हाथ, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं आपको बोल के क्लियर कर लूँ, और एक आदि जी का मुझे वॉइस ओवर भी करनी पड़ेगी क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, क्योंकि सब जगह भाभी का फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकती, उनके भी ब्लॉगिंग चलेगी तो
जहाँ मोस्ट है बताना, वहाँ कर लूँगी, बाकी तो मुझे वॉइस ओवर ही करनी पड़ेगी। तो जहाँ पर मैंने चांद देखा वो सारी वीडियो है सुबह की, वो उस पर मैं थोड़ी बहुत वॉइस ओवर कर लूँगी। तो अभी चलते हैं बाहर, और मेहंदी लग गई, वो आ ही गए अंदर। तो आप ब्लॉग के साथ कंटिन्यू रहना, शाम को बहुत अच्छा ब्लॉग बनने वाला है, तो आप प्लीज़ ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, है ना। तो यहाँ पर लग रही है इनकी मेहंदी। बताओ तो आपके हाथ भैया ने बनाए जो, ये देखो ये बनाया, ये वाला भैया ने बनाया, और ये मम्मी जी का। तो यहाँ पर लगना है मेहंदी। भैया ठीक है, भैया से लगवानी पड़ती मेहंदी। लगन से बिना डालते हैं। तो ये अब इधर छोटी, साढ़े बारह तो बज गई। हाँ बेटा, 12:30 बज गई। अब हम देखते हैं, अभी कंफ्यूजन चल रहा है कि पहले क्या काम किया जाए, देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दादी जी के लगाऊंगी पाँव पे मेहंदी, और इनके भी व्रत है चौथ माता का। पाँव पे लगानी खाली, सिंपल इस लगा दो क्या, कंगूरे वाली सिंपल, ठीक है। वीडियो बन जाएगी तो मैं आई किचन में। अभी दोपहर के 1:15 बज चुके हैं, दादी जी के मेहंदी लगा कर आई। तब तक भाभी ने इधर चमले चावल चढ़ा दिए बापने के लिए। आज चमले चावल लाभ से ही बनेगा धूप ध्यान के लिए। चावल भी उधर चढ़ा दिए, चमले हो गए, और इधर कड़ी की तैयारी हो रही है क्योंकि शाम को मुहूर्त भी जल्दी है, तो उस हिसाब से सारा काम हमें फटाफट से प्री करना है। तो आप कंटिन्यू बने रहना। ये है तो हमारा करवा, हम स्टील का लेते हैं लोटा, और बहुत सारे वो मिट्टी का लेते हैं करवा, हम स्टील के में बनते। इसमें डाला एक गन्ना, सुपारी, मोर, चवला, काजरी, और एक रुपया डालेंगे, जो रुपया हम ला के, और फिर इस ब्लाउज पीस से इसको पैक कर देंगे, लच्छा बांध के इसको, और यहाँ से अच्छे से कवर कर देंगे। क्या है गिल्ली? हाँ। बात में आ रही। तो ये रहा एंड रिजल्ट, जो मेहंदी मैंने बनाई, और हाथ थोड़ा सा लंबा करना ऐसे। हाँ, तो मैंने बनाया लेफ्ट वाला हाथ, मतलब मेरी तरफ से लेफ्ट इधर, मतलब रिंकू का तो राइट है, ये वाला हाथी जिसमें बने हुए मोर इसमें मैंने लिख रखा है लखन रिंकू। पीछे से दिखाओ, ये आप देखिए, देख रही है हमारे मम्मी जी की मेहंदी। क्या लिखा आपने, करवा चौथ। पापा जी का नाम लिखते ना, ये लिखेंगे कहाँ पे लिख रहे थे, MP मिठू लाल जी पुष्पा। अच्छा बनाया पर आपने। तो ये देखिए, हाँ हम अंदर रेस्ट करने गए थे, तब हमारी खड्डी की हालत देखी। वहाँ कोमल पापी क्यों हो, बंद कर देना रिंकू, उसको बंद कर देना, मैं भूल गई यार, खड्डी बेचारी उबल उबल के, मम्मी अच्छे से जड़ी होगी। तो ये फूल तो बना दिए, अभी ने कंप्लीट करना है बस। सो भाभी के मैंने है ना मेहंदी लगा दी है, एक मिनट करो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मेहंदी लगाई पहली बार लगाई, मतलब मैं तो ये देख रही थी, थोड़ा से अलग से बताती। ये देखो ये मेरी मेहंदी कैसी लगी, जरूर बताना कमेंट में, पहली बार लगाई हूँ। एक फूल ऐसा लग रहा है कम बना दिया, यहाँ बन जाता तो और काला काला नहीं लगता यहाँ। ये थोड़ा सा गोला थोड़ा ज्यादा भर दिया। तो देन मेहंदी इनके भी हाथ बन गए, मेरे भी बन गए, मेरे तो आपने देख ही लिए। और ये बस 10 मिनट का हम मेहंदी दो देंगे और कलर देंगे। बस गुड़ की मेहंदी ना, ये ऐसा कलर आएगा। ये मेरे जो टोये लग रहे हैं टोये पर। तो अब शाम के बज गए 5, और दीपक जलाने का मुहूर्त शाम को 6:15 बजे गई है। तो मैं भी इधर ही रेडी हो रही हूँ, भाभी के इधर ही, क्योंकि हमेशा इधर ही होती हूँ, इसलिए सारी इधर ही हो रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगा तगड़ा रीजन हो गया है। तगड़ा नहीं, क्योंकि हमेशा इधर तैयार होते हैं, तो इस बार भी इधर यूँ साथ में यूँ रहता है कि भाई चलो ये लगाना है, ये यूँ थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है हर एक चीज़ का। तो अब देखते हैं आगे का क्या। ये देखो यूँ कर लेगा ऐसे, देखेगा ऐसे, शानदार है। इस वजह से मेहरून ब्लाउज ही चल जाए, मेहरून है सिल के आ गया ऐसे ऐसे ना। हाँ
कंफर्म है कि अपन। सो अब शाम के बज गए 5 और दीपक जलाने का मुहूर्त शाम को 6:15 गई है, तो मैं भी इधर ही रेडी हो रही हूँ, भाभी की इधर ही, क्योंकि हमेशा इधर ही होती हूँ, इसलिए इस बार भी इधर ही सो रही हूँ। क्योंकि मेरे को लगा तगड़ा रीजन हो गया है, तगड़ा रीजन हो गया। तगड़ा नहीं, क्योंकि हमेशा इधर तैयार होती हूँ, थोड़ा इस बार भी इधर ही यूँ साथ में यूँ रहता है कि वहाँ चलो ये लगाना है, ये यूँ थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है हर एक चीज़ का। तो अब देखते हैं आगे का क्या। तो देखो हम दोनों अब रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे, फिलहाल के लिए हमारे लिए मत दिखाओ मेरे को, लगेगी तो अच्छी है पर आप इतनी देर ये झेल नहीं पाओगे, थोड़ी देर पहन लो। हाँ पहन लो, कोई बात नहीं। सो ये हमारा फुल लुक है, आप देख सकते हैं मैंने पहना डार्क रानी कलर का लहंगा और भाभी ने इंग्लिश कलर का पहना है, मैंने पूरी नथ पहनी है जो कि सब बोले थे अच्छी लग रही है, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। अब सारी लेडीज आ गई है और अब हम बाहर जाएंगे। हाँ वो भाभी जी, एक भाभी जी का आना बाकी, बस बाकी सारे आ गए, ये देख सकते हो। एक दुकान की सो ये हमारा है फुल लुक, आप देख सकते हैं। अब नहीं करो तो मालूम। हाँ हाँ आप करते हैं, तो मैं तो अभी रेडी, अब मम्मी जी बोलना बाकी बात। आते चलो आते आते इधर चालू है। तो ये हमारे चांद आ चुके हैं, मतलब कि चांद निकल चुका है और बहुत देर से हम वेट कर रहे थे चांद भगवान का, ही ठीक है। और यहाँ पे सब अर्घ दे रहे हैं। आपके मोटा हुआ आपके बच्चे आया आपके चाबी कान की बोल करो करवा चौथ का चांद रे ऊप छठ का चांद रे माई चौथ का चांद रे चांदा मिलो रायो साजन होगा बाहर रे आका पाटी जल रहे हैं तू दूर रे दूर रे। फूल रख दो फूल ले में भाभी उधर से फूल लगाना है कहां पे खा ली फूल लो हाथ के नीचे हाथ रखना अच्छी आएगी।
आसमासी शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी तत्ताज की चौथ वार आज को रविवार ए भगवान करवा चौथ माता आपकी पूजा रखा क्यों कहने क्यों नरक दी दो चांद बाजी है काली गिली जो भी है जो माफ कर दो बोल चुके सम्मत 2081। तो यहाँ पे फोटोशूट की तैयारी चल रही है और मैं इनका फोटोशूट कर रही हूँ और ये उधर करवाएंगे अभी लेकिन साथ साथ में ब्लॉग भी कंटिन्यू रहे चाहो जो मैं वीडियो शूट करूँ चाहूँ ना एक बार ये तो फोटोशूट हाँ। तो रात के बज चुके हैं 10:30 और हम लोग अब वीडियो से फ्री हुए हैं नीचे आए हैं अब खाना वगैरह खाएंगे। मम्मी जी बाहर गए हैं मतलब कि खाना खाने के लिए कहीं उद्यापन है तो उन्होंने उद्यापन ले रखा है तो वहाँ गए वो व्रत खोलने के लिए। मैं भाभी भैया लखन जी हम 4 ही बजे हैं अब हम चारों साथ में खाना खाएंगे और वीडियोज़ वगैरह सारी शूट हो गए अब बस खाना खा के फिर एंड में बच्चों को सुलाना है लास्ट। अभी मैं व्रत खोलूँगी खाना खाऊँगी तब तक तो रात के 12 बजे अदमरु जैसी हालत में हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम क्या ही कहें पर ठीक है अब बस सोना है और ये हमारे जाग रहा है। और वो दोनों क्या कर रहे बाहर वो दोनों सो गए टीवी चल रही मैं बंद करके भी दोनों फराटे खींच रहे दोनों एक सोफे पे सो रहे नीचे सो रहे हम बेचारे बाय बाय मिलते हैं बहुत अच्छे से एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ बाय।